मुंबई पुलिस के हो चुके हैं वारंट न्यारे। मुंबई पुलिस के पास ऐसी चीज़ आ चुकी है कि आप सोच नहीं सकते, विदेशों में ये पुलिस के पास चीज़ें होती हैं, और लेकिन अब भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बहुत तगड़ा तहलका मच चुका है दोस्तों। आपको मैं दिखा दूं कि मुंबई पुलिस को इतनी शानदार चीज़ यहाँ की सरकार ने दी है। आप देख सकते हो मुंबई पुलिस को क्या मिल गया है। मुंबई के अंदर देखो मौसम यहाँ तगड़ा होता ही है, तहलका तगड़ा मचता ही है। और ये देखिए आप भैया, आपको लगता था मुंबई पुलिस को जैसे ये मिला है, भारत में हर पुलिस वाले के पास ये होनी चाहिए? नहीं, मतलब यहाँ पर इसकी जरूरत है ना। कैसे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल तहलका प्रैंक में। मैं हूँ आपका अपना तहलका भाई। दोस्तों आप देख सकते हैं मुंबई में हम कहाँ पे खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं, जहाँ पर फैसिलिटी आपको एक से बढ़कर एक मिलने वाली है। बहुत तगड़ा तहलका मच चुका है। छोटे, हम कौन सी जगह पर हैं? फिलहाल मरीन ड्राइव, मुंबई। मरीन ड्राइव के पास आप अपनी मौज काट सकते हो, तहलका मचा सकते हो। ये देखो आप, मरीन ड्राइव के पास आपको घूमने के लिए इतनी प्यारी बग्गी मिलेगी। यहाँ पे इसका जो रेट है बहुत ही कम है, सुन के दंग रह जाओगे। दूसरी बड़ी बात आप देख सकते हैं यहाँ पे मुंबई पुलिस को कितनी शानदार चीज़ दी गई है पेट्रोलिंग के लिए। इतनी शानदार चीज़ यहाँ पे मुंबई पुलिस के पास है कि आप सोच नहीं सकते। मुंबई पुलिस को इतनी शानदार गजब की चीज़ दी गई है। बोलिए इधर, मतलब पूरे भारत में किसी पुलिस को ऐसी चीज़ नहीं दी गई जो मुंबई पुलिस को दी गई है। क्या कहता है तू? बढ़िया है यार, इतनी गजब की चीज़ है। मेहनत करते हैं ना अपने लिए तो सही है उनके नहीं लिए। मतलब वो चीज़ कितनी प्यारी है, जो मुंबई पुलिस इस पे चलेगी तो कितना तगड़ा तहलका मचेगा। वही तो यार, बताओ क्या कहता है तू? मस्त है ना। वही तो, मुंबई पुलिस के हो चुके हैं वारंट न्यारे। मुंबई पुलिस के पास ऐसी चीज़ आ चुकी है कि आप सोच नहीं सकते, विदेशों में ये पुलिस के पास चीज़ें होती हैं, और लेकिन अब भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बहुत तगड़ा तहलका मच चुका है दोस्तों। आपको मैं दिखा दूं कि मुंबई पुलिस को इतनी शानदार चीज़ यहाँ की सरकार ने दी है। देख सकते हैं आप, तगड़ा तहलका मचा रहे हैं यहाँ पर ये, और यहाँ पे पेट्रोलिंग की जाती है इससे। और ये देखो कितनी गजब की चीज़ है ये। और भारत देश में अगर हर पुलिस वाले के पास ये चीज़ हो जाए तो पेट्रोल बच जाएगा, पेट्रोल की बचत हो जाएगी, और बहुत तगड़ा तहलका मच सकता है। ये किस लिए दिए गए मुंगलिया? यार तक ये लोग पेट्रोलिंग कर सके, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं ना, तो उनके लिए मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा वो स्कीम निकाला ताकि आराम से पेट्रोल कर सके, आराम से मस्त। अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हो मुंबई पुलिस को बहुत प्यारा तोहफा मिल चुका है, पेट्रोल बचेगा मुंबई पुलिस का। और ये देखो कितनी प्यारी चीज़ उनको दी गई है। इसको कुछ बोलते हैं बोलिया? सेगवे ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ मुंबई पुलिस सामने खड़ी है, इसके ऊपर खड़ी होकर पेट्रोलिंग करती है, पेट्रोल की बचत होती है। कितना अच्छा ध्यान रखा गया है। और देखो अगर ये पूरे भारत में हर पुलिस के पास हो जाए तो कितना पेट्रोल बच जाएगा, और कितनी जल्दी पुलिस बदमाशों तक पहुँच सकती है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ कैसी लगी मेरे को बताना आप। मुंबई पुलिस के बारे नारे हो चुके हैं, तो ये बता भाई बोलिए, ये चीज़ें तो मैंने विदेशों में देखी थी पुलिसों के पास। विदेशों में जो पुलिस है उनके पास बहुत तरह के पैंतरे होते हैं, और ये भारत में भी आने लग गए। इंडिया आगे बढ़ रहा है ना, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। तो भारत देश में हर पुलिस वाले के पास ये आइटम होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए जिससे कि बदमाश जल्दी पकड़ा जाए। और सबसे बड़ी बात है, बिना पेट्रोल के, बिना बैटरी के। वैसे बैटरी तो है मेरे ख्याल से, नहीं बैटरी है इसमें, चार्ज करना पड़ता है, लेकिन ज्यादा नहीं, हाफ एन आवर का चार्ज हो रही है। और यहीं पर ही आप देख सकते हैं कितने लोग इंजॉय कर रहे हैं, मौज काट रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखो बग्गी भी है, यहाँ इंजॉय कर सकते हैं आप, तहलका मचा सकते हैं। भैया से पूछेंगे यहाँ पे क्या रेट है। हाँ भैया, इसका क्या चार्ज है? 500 रुपये है, बड़ा वाला का 1000 रुपये है। 500 रुपये में 4 बंदे बैठ सकते हैं? हाँ, 6 बंदे बैठ जाएंगे, 4 बड़े 2 बच्चे बैठ सकते हैं। अच्छा, 4 बड़े 2 बच्चे बैठ सकते हैं। और कहाँ तक घुमा के लाओगे आप? मरीन प्लाजा होटल है। अच्छा, क्या बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मुंबई पुलिस को क्या मिल गया है। अच्छा, ये तो खैर मुंबई पुलिस को नहीं मिला, यहाँ तो जनता के घूमने के लिए ये बग्गी से बग्गी बोलेंगे इलेक्ट्रिक बग्गी। क्या बात है। और ये सब जगह हो तो बंदे मौज काट सकते हैं, तहलका मचा सकते हैं। और इसका जो आपने रेट बताया, इस वाले भैया का ज़्यादा रेट है? आपका भी सेम रेट है? क्या रेट है आपका? 500 बड़े 1000। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 500 रुपये में मौज काटो मुंबई के अंदर। देखो मौसम तो यहाँ तगड़ा होता ही है, तहलका तगड़ा मचता ही है। और ये देखिए आप, जबरदस्त। तो ठीक है दोस्तों, तहलका मचाता रहूँगा, बार बार आता रहूँगा, एक से बढ़कर एक चीज़ आपको दिखाता रहूँगा। और मुंबई में तगड़ा मौसम हो रहा है इस टाइम, मौज काटने आओ, घूमने आओ। मुंबई के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। देखो एक कैसे हो सर, ठीक हो? तहलका में फोटो हो जाएगा सर। आ जाओ भैया। आपको लगता था मुंबई पुलिस को जैसे ये मिला है, भारत में हर पुलिस वाले के पास ये होनी चाहिए? नहीं, मतलब यहाँ पर इसकी जरूरत है ना। कैसे? अरे यहाँ पर इसकी जरूरत है, यहाँ पर बाइक नहीं चल सकती ना, ऊपर लोग चलते हैं। अच्छा अच्छा, ये काफी लंबा राउंड है। ओके, ख्याल से कुछ नहीं तो 3 किलोमीटर के आसपास होगा। ओहो, तो भैया ने बताया दोस्तों मरीन ड्राइव का सबसे लंबा राउंड है ये, इसलिए पुलिस को यहाँ पर ये जाम खड़ा होगा। अच्छा, तो दोस्तों भैया ने बताया यहाँ पर ये मरीन ड्राइव का 3 किलोमीटर का लंबा राउंड है, देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक। अच्छा भैया, जहाँ पर यहाँ पे क्राउड है, इस चक्कर में ये दिया गया है? हाँ, क्राउड है, कोई घटना नहीं घट जाए कहीं पे, कोई झगड़ा झंझट नहीं हो जाए कहीं पे, तो ऊपर से तो बाइक नहीं चल सकती ना। मैं तो जब पुलिस, जब मैंने पुलिस वाले को आते देखा ना, ऐसा लग रहा स्वेटर मैन आ रहा है कोई। क्या लेने?
अरे मैं कह रहा हूँ क्या लेने आया सर, इसकी स्पीड कितनी है? 20 ओके। ये पूरा रास्ता 3 किलोमीटर का है? तो देखो किस तरीके से यहाँ पेट्रोलिंग की जा रही है, सबके पास ये पहुँच जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से पेट्रोलिंग हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, पूरे भारत देश की पुलिस नंबर 1 है, सबसे आगे है। जय हिंद जय भारत, ऐसे ही काम करते रहो, आपकी वजह से हम बिल्कुल सेफ घूम रहे हैं, आप हैं तो हम हैं। लाइक फॉलो सब्सक्राइब सब कर दो।